हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज अनुराधा एंड आज हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में एक बैग जो कि टोट बैग होगा और उसमें स्लिंग भी होगा, तो स्लिंग बैग भी बोल सकते हैं उसको। और ये बनने वाला है जो हमने फैब्रिक बनाया था पिछले वीडियो में जिसपे हमने पेंट किया था, तो उसी फैब्रिक से हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं इसे। ये हमारा फैब्रिक है, इसकी लंबाई 12.5 इंच है एंड चौड़ाई 11 इंच है। दूसरा पीस भी इसी साइज का है और साथ ही साथ हमने इसकी लाइनिंग भी कट कर ली है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में पॉकेट अटैच करेंगे। बैग में पॉकेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है होना, क्योंकि हमारे जीन्स में पॉकेट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बैग में तो होना ज़रूरी है। तो ये पॉकेट मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के क्लास में बताया था, फ्लैप पॉकेट वही पॉकेट है। मैंने सैंपल के तौर पे बनाया था आप लोग को बताने के लिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी सैंपल्स थे जो मैंने ऑलरेडी कॉलेज में बनाए थे, तो ये एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा इसी में लगा देते हैं, बना बनाया है। एंड जब बनने के बाद मुझे लगा कि जैसे जो फैब्रिक था बेस फैब्रिक उसको मैं स्टिच कर दूँगी, बट स्टिच करते वक्त मुझे लगा कि इसको भी ऐसे पॉकेट की तरह कर देते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि हमें डबल डबल पॉकेट मिल गया। एक तो बड़ा वाला, उसके ऊपर फ्लैप वाला, एक के साथ एक, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, कितना सही है। तो दूसरा वाला भी हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन दूसरा वाला में दो नहीं बनाएंगे, एक ही बड़ा सा बनाएंगे। तो दूसरा वाला भी इसी तरह से बना करके एंड देन हम आते हैं मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक में हम थोड़ा बॉक्स काइंड ऑफ लुक देने वाले हैं ताकि स्पेसियस हो और उसमें काफ़ी स्पेस हो स्टफ्स रखने के लिए। तो इसमें हम 3 इंच चौड़ी पट्टी रखेंगे जिसकी लेंथ बैक की जितनी होगी और विड्थ बैक की जितनी होगी, सिर्फ जो चौड़ी पट्टी होगी जो कि बॉक्स का शेप क्रिएट करेगी वो 3 इंच की होगी। इसमें सबसे पहले बॉटम में ऐड करेंगे एंड पहले एक फैब्रिक में फिर दूसरे फैब्रिक में। अब हम साइड्स में अटैच करेंगे। साइड्स में अटैच करते वक्त हम मिड से रखेंगे उसका चौड़े वाला पार्ट को, देन उसको स्टिच करेंगे एंड उसको टर्न करेंगे लेंथ में। तो इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे साइड भी कर लेंगे और ये हमारा एक साइड का ऐसा बन के निकल गया एंड तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी जोड़ लेंगे, तो ये हमारा मेन रेडी हो गया है जो कि फ्रंट में आने वाला है। इसी तरह से लाइनिंग भी जोड़ेंगे, लेकिन लाइनिंग में एक चीज करना है, हमें बॉटम में 6 इंच तक छोड़ना है स्टिच बिना किए, क्योंकि उसको हमें मेन फैब्रिक के साथ जब ज्वाइंट करेंगे तो उसको टर्न करना होगा, तो वो आप लोग आगे देखना। अब हम हैंडल के लिए 3 इंच चौड़ी और 33 इंच लंबी फैब्रिक लेंगे और 1 इंच की पट्टी बनाएंगे और इसे बैग के मिड में अटैच करेंगे, मिड निकालेंगे एंड देन इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर उसको रख करके और अटैच कर लेंगे। साथ ही साथ हम साइड्स में लूप अटैच करेंगे स्लिंग के लिए, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसी टाइम पे हम अटैच करेंगे। देन आती है अब लाइनिंग से अटैच करने की बारी। तो लाइनिंग से अटैच करने के लिए क्या करना है, हमें लाइनिंग को अपोजिट डायरेक्शन में करना है, यानी कि जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड रहेगी एंड बैग को सीधा रखते हुए उसके अंदर डालना है एंड इसको अच्छे से हम एज पर पिन कर लेंगे जहाँ पे हमें स्टिच करनी है। सबको सब प्लेस पर बैठाएंगे ताकि इधर उधर मूव ना हो जाए, तो हम इसमें पिन की हेल्प लेंगे। अब इस पर हम स्टिच चला लेंगे एंड जो हमारा खुला हुआ पार्ट था उससे हम उसको टर्न कर लेंगे एंड इस पर हम एज स्टिच चला लेंगे। एज स्टिच चलाने से क्या होगा कि जब लाइनिंग को हम अंदर की तरफ डालेंगे बहुत अच्छे से अंदर की तरफ चला जाएगा और एज पर वो सर्कल क्रिएट नहीं करेगा, बैठ जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये हमारा हो गया और हम इसे अंदर की तरफ करते हैं। ओ नो 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 नो, अरे यार कार्ड फुल हो गया और मैंने पूरा स्टिच कर दिया। वेट, कोई बात नहीं, बैग बन गया, बनाने वाली तो मैं ही हूं ना, एक्सप्लेन तो कर सकती हूँ। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद का क्या हुआ था जो हमारा कैमरा ने नहीं रिकॉर्ड किया। लुक एट दिस, आपको जिस तरफ से मर्जी उस तरफ से आप ले सकते हो इसको, इधर से भी इधर से भी। तो चलिए बताते हैं, हमने यहाँ तक तो स्टिच कर लिया था जो हमने लाइनिंग स्टिच किया था ऊपर में।
अंदर में क्या हुआ था, जो हमने ओपन एरिया रखा था ताकि उसको टर्न करने का, जो ऑलरेडी मैंने दिखाया है टर्नों के, इसके बाद हमने इस पर स्टिच चलाया है अंदर की तरफ इसको ऐसे, तो ये फिनिश हो गया है। देन हम इसको इस तरह से अंदर कर देंगे, ठीक है। देन हम इस पर 1 सेंटीमीटर पर स्टिच चलाया हुआ है, इस पर स्टिच चलाया है, एंड जैसा हमने इसे बनाया था वैसे ही हमने स्लिंग बैक का बनाया है, एंड यहाँ पर स्टिच कर दिया है इसको इस लूप में। तो इतना ही था जो छूट गया था, बट आप इसको जिस तरीके से लेना चाहो आप ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, आप इसको अंदर कर दो, आप नॉर्मली टोट बैग की तरह भी ले सकते हो। ये टोट बैग जितना बड़ा तो नहीं है बट इतना है कि काफ़ी सारा स्टफ़ कैरी कर सकता है ये, खास करके वाटर बॉटल। आपको अच्छा खासा पॉकेट ऑप्शन है, मतलब एक तो है ही इसमें ये बड़ा वाला पॉकेट, डबल डबल पॉकेट, एक छोटा पॉकेट, इसके ऊपर से ये पॉकेट। आप बताना आपको ये बैग कैसा लगा, टोट कम स्लिंग बैग, स्लिंग कम टोट बैग, वट एवर यू कॉल्ड, आप बताना आपको कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।